हम लोग बहुत मजबूर हैं, बल्कि यूं कहें कि मैं बहुत मजबूर हूँ। हम यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रही हो सब कुछ? क्योंकि आप भी मुझे अमगना लालची समझते हैं। आगे बात करो। अम्मा ने मुझे पढ़ाया नहीं, वरना मैं भी नूर की तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करके किराए पर घर ले लेती। तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने को तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। मुझे ऐसे किसी के घर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अम्मा की आदत से परेशान हूँ। अब्बा अच्छा खासा घर छोड़ के मरे थे, उन्होंने साहिर भाई की बातों में आके घर बेच डाला और सारे पैसे उड़ा के अब रोड पे पड़ी हैं। तो अब क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कोई मुस्तकिल नौकरी का आसरा हो जाए। तो मेरे पास कोई नौकरियाँ नहीं है। पहले नूर कमाती थी तो घर चला लेती थी, अब वो मुझसे इतना प्यार करती है और काम से थकी हारी आती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई काम नहीं करने देती थी वो। तो ठीक है, नूर तुम्हें इतना प्यार करती है तो यहीं रह लो उसके पास। लेकिन ये मुस्तकिल आसरा तो नहीं है ना। चलो देखता हूँ कोई मुस्तकिल आसरा, अगर मिला तो बता दूंगा। ये सलमा से क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, वो लड़कियों से नॉर्मली बातें नहीं करता ना, इसलिए हो सकता है कि सलमा की सादगी देखकर कोई गिफ्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो ये। वैसे तुमने उसे कभी खानदान की किसी लड़की के साथ कोई बातें वगैरह करते देखा है? हाँ यार, असल में ना सलमा को ना मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह समझा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे अजीब बात नहीं है, तुम्हारी अम्मा से इतनी नफरत और सलमा से इतनी दोस्ती। हालांकि अगर देखा जाए तो सलमा भी उतनी ही सौतेली है जितनी तुम्हारी अम्मा, जिन्हें देखकर इसने वलीमे वाले दिन अदालत लगा ली थी। और मेरा मतलब है कि बगैर मतलब के तो ये किसी से कोई बात भी नहीं करती। सलमा अगर सौतेली है तो क्या हुआ? नूर है तो तुम्हारी बहन ही ना वो। साफ जाहिर है नूर, नूर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं अकेले में, प्लीज। कि सलमा आपा जारून से क्या बातें कर रही थी और वो उनके साथ इतने सही कैसे हो गए? सारे घर में तूफान मचाकर यहां इत्मीनान से खड़ी हैं आप? आपने बुलाया था मुझे, कुछ काम था? नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन ये जो मुसीबतें तुमने हमारे सर पे नाजिल की हैं, जाके इन्हें ठीक करो। कौन सी मुसीबत? नहीं, तुम्हें अगर साहिर के पास वापस जाना था तो तुम मुझे कह देती। साहिर से कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है वो कितना डिप्रेस है? वो मेरी वजह से डिप्रेस नहीं है, हॉस्पिटल से ही डिप्रेस्ड आए थे। मैं सारून की बात कर रही हूं नूर, सारून की। सारून डिप्रेस है, और ये तुम्हें जिंदगी का कौन सा खौफ है सारून से? हाँ, मैंने ये कब कहा? तुमने क्या कहा, कब कहा, ये वजाहतें तुम साहिर को देना। मैं उनके सामने कैसे बोल सकती हूँ? वैसे ही
जैसे पहले कहा था उसे पागल साबित करके। मैंने ये नहीं कहा था, भूल गई। मैंने खुद तुम्हें देखा था नूर, उससे बात कर रही थी तुम। मेरे सामने तो मत मुकरो। अगर मैंने बात की थी तो सिर्फ और सिर्फ सारून के कहने पर की थी। ठीक है, तो अब सारून की खातिर कर लो। सारून की खातिर? हाँ, सारून की खातिर। हरगिज़ नहीं, इससे अच्छा है मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। याद है साहिर ने जारून को धमकी दी थी ना कि अगर तुम इस घर को छोड़ के चली गई तो वो जारून को पुलिस के हवाले कर देगा। आपको कैसे पता? वैसे ही जैसे मैं ये जानती हूं कि तुमने खामोशी से लिखकर साहिर को ये बात समझाई कि तुम्हें जारून से और कोई खौफ नहीं है सिवाय इसके कि वो तुम्हें साहिर से दूर करना चाहता है और अब तुम साहिर से दूर नहीं होना चाहती। आपको लगता है मैंने ऐसा कहा है? तो तुम जारून को जेल जाने दो। शायद आप भूल रही हैं, मेरी अम्मा के फोन में आज तक वो वीडियो मौजूद है जिसमें सारी की सारी सच्चाई वाजे है। हाँ ये तो है, लेकिन साहिर के कहने पर कुबरा ये इल्जाम अपने सर लेने को तैयार है कि ये सब उसने सारून के कहने पर किया था। आप सारी सच्चाई जानती तो अम्मा। इसीलिए कह रही हूं नूर, मेरा बेटा सारून मुझे सही सलामत वापस दे दो। जाओ लॉन में बैठा है। मैंने कोई बात शुरू नहीं की अम्मा, लेकिन मैं इस बात को ख़त्म ज़रूर करूंगी। मैं अपनी खामोशी को गलत आवाज़ नहीं बनने दूंगी। वो मेरी खामोशी से अपने मनपसंद मानी नहीं निकाल सकता, उसे सच जानना होगा। आज उसे वो सब सुनना होगा जिसे वो ख्वाब समझकर बुलाना चाहता था। आज मैं उससे खुद बात करूंगी। आपको बात करनी थी। मैंने कहा मुझे बात करनी है आपसे। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं पागल ही हो गया हूँ। तुम्हें पता, पहले ना मुझे तुम्हारी तस्वीर सिर्फ दिखाई देती थी हर जगह, लेकिन अब मुझे तुम्हारी आवाज हर जगह सुनाई देती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बोलने दो। तुम्हें पता है मैं सोच भी नहीं सकता था कि मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि इंसान खामोशी की जबान समझ सके। तुम्हें पता है जारून ने कितनी कोशिश की कि तुम्हारी जबान पे कोयला रख के उसने सोचा था कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकते। लेकिन देखो तुम तो फिर भी मुझसे बात कर सकते हो। पता है अगर तुम बोल सकती तो तुम मुझसे क्या पूछती? तुम मुझसे पूछती कि जारून ने ये सब कुछ क्यों किया, उसने किस चीज का बदला लिया।
मैं पता है, मैं तुम्हें हकीकत बताता ना तो तुम्हें और तकलीफ पहुंचा। वैसे ही जैसे गर्लफ्रेंड का उसको जब पता चला था और तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया था तो उसने तुम्हारे साथ किया था, तुम्हें पता ना। मेरे जहन में ना अभी भी वो निशान नक्श। तुम्हारे चेहरे पे उसकी उंगलियों के निशान, तुम्हें पता है? एक बार वो तुम्हें छोड़ दे बस, देखना मैं उसके साथ क्या करूं। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं। अच्छा, मेरी एक फाइल है जो नहीं मिल रही है, तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्यों, तुम कमरे में नहीं थी क्या? नहीं। तो फिर कहीं, आई मीन बाहर गई थी? तो फिर कहां से आ रही हो? मैं तो यही थी। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा? पसीना? एसी ठीक नहीं काम कर रहा है क्या? एसी वो मैं अपनी अम्मा के कमरे में गई थी ना, तो वहाँ एसी नहीं है। तुम उसे झूठ भी बोलने लगी हो। इसमें कैसा झूठ? अम्मा के कमरे में एसी नहीं है तो नहीं है। यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है? अच्छा, आप बताएं, आपसे सलमा आपा क्या कह रही थी? सलमा आपा वो अपने कमरे में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो कह रही थी कि उन्हें कोई दूसरा रूम चाहिए। तो फिर आपने क्या कहा? तो फिर मैंने कहा कि इस घर में तो हर रूम में एसी, अगर आपको कूलिंग तंग करती है तो फिर एसी काम कर दिया करें या फिर बंद कर दिया करें। आपने मुझे बुलाया था? मैंने नहीं, तो तुम्हें किसने कहा? पता नहीं, मुझे लगा कि शायद आपने मुझे याद किया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें मेरे कहे बगैर मुझे खुशी तो पता लग गई ना। पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात। खैर, बुरी बात क्यों? इसलिए कि जो लोग अनकही बातें समझते हैं ना, लोग उनको पागल कहते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है ही नहीं, मैं सच में तुम्हें याद कर रही थी। लेकिन वो जो मैंने कल समझा था वो तो सच नहीं था। क्या? पता है माँ, मुझे कल वाकई लगा था कि मैंने नूर से बात की थी, और अभी आते हुए भी मुझे लगा कि उसने मुझे आवाज दी, लेकिन वो मेरा बहन। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तुम्हारा वहम है? क्योंकि उसके चेहरे पे जो कल निशान थे ना, वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते। वो वाकई खाक था, सच नहीं था। लेकिन
लेकिन नूर ख्वाब में भी मुझसे बहुत से सच बोल गई। कैसे सच? खैर छोड़िए आप इस बात को, लेकिन अब मैं सिर्फ नूर को ही नहीं उसकी मोहब्बत को भी अपना के रहूंगा। साहिर तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। देखो जुर्म बार बार नहीं छुपते। अम्मा बेफिक्र, मैं जारून को नहीं मारूंगा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं, आप करने वाले। मैं क्या? सुजैन को कॉल। आपको क्या लगा था मैं उसे मारने का कहूंगा? अम्मा अगर मैं जारून को मार दूंगा तो वो नूर के दिल में रहेगा। मैं चाहता हूं कि उसके उसके सारे गुनाह सामने लेके आ जाए ताकि वो नूर के दिल से डर जाए। साहिर मेरी बात सुन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो साहिर, घर का मामला है, घर में ही निपटा लेंगे। उसकी सोशल लाइफ खराब तो मत करो। उसकी सोशल लाइफ पे असर थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ नूर के दिल पे असर पड़ेगा।